सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा होते ही बड़ी संख्या में महिलाएं खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी पहुंच गईं। वह भी एहसास के साथ कि अब उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन जब एजेंसी संचालन ने सिलेंडर देने से मना कर दिया तो वे रोड पर जाम लगाकर बैठ गईं और सीएम को कोसने लगे। मामला शिवपुरी जिले के पिछौर विधानसभा से सामने आया है। आपको बता दें कि बीते दिन सीएम ने लाडली बहना योजना कार्यक्रम के दौरान अपनी लाडली बहनाओं के हित में कई बड़ी घोषणाएं की थी, जिनमें एक घोषणा ये भी थी कि सावन माह में बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। जब ये घोषणा सीएम ने की थी तब महिलाएं खुश हो गई थी और इसका असर ये भी हुआ कि घोषणा के दूसरे दिन ही महिलाओं ने गैस एजेंसी पर डेरा जमा लिया। पिछौर में भी ऐसा ही देखने को मिला। जब महिलाएं सिलेंडर लेने पहुंची तो उनको निराश होना पड़ा। उनको 450 में सिलेंडर नहीं मिल सका, जिससे वे जमकर आक्रोशित हो गए और सड़क पर ही हल्ला बोल दिया और उन्होंने जाम लगा दिया। एजेंसी संचालक ने उन्हें 1185 रुपए में ही सिलेंडर दिए। जब महिलाएं सीएम को ये कहकर कोस रही थी कि सीएम ने उनके साथ छलावा किया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह का प्रलोभन महिलाओं को दिया, वे इतने सालों से सीएम हैं, वे चाहते तो पहले ही लाडली बहना योजना शुरू कर सकते थे, लेकिन चुनाव पास आते ही उन्होंने ये योजना शुरू कर दी। इससे साफ जाहिर है कि ये केवल चुनावी हथकंडे हैं। आपका सीमा कोहली। सीमा जी, आज सारी महिलाएं यहाँ गैस एजेंसी के पास खड़ी हैं पिछोर में, क्या मामला है? सर, कल ऑनलाइन मीटिंग करी गई थी नगर पालिका में, हम सभी बहनें नगर पालिका गए थे, बोला था कि मीटिंग में आना जरूरी है क्योंकि भाई ने ऑनलाइन मीटिंग रखी है बहनों के लिए। किस भाई ने? शिवराज सिंह चौहान ने। तो उनने बोला था सभी बहनों के लिए ऑनलाइन मीटिंग रखी गई है, ऑनलाइन राखी बांधने का त्योहार मनाया गया था कल, और बोला था कि राखी बनाई में भाई ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। किसने? शिवराज सिंह सीएम। फिर हम लोग आज आए हैं एजेंसी, गैस एजेंसी पे आए, गैस एजेंसी पे बोला गया था पिछोर में कि आपके पास 1185 रुपए हो तो भी सिलेंडर भराने आओ, वरना तो घर जाओ, 450 में सिलेंडर नहीं भरे जाते हैं, कि ऐसे ऐसे तो वादे बहुत हो चुके हैं। अच्छा, तो इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने आपके साथ थोड़ा ये जो वादा किया जो नहीं निभाया, अब आप क्या करेंगे आगे आने वाले चुनाव में? आगे आने वाले चुनाव में हम बहनों की तरफ से उनके लिए मुश्किल रहेगा क्योंकि ऐसा चुनाव नहीं होगा बहनों के लिए। पहले तो बोलते हैं कि बहनों के लिए हम अच्छा करेंगे और झूठे वादे करते हैं बहनों के लिए, तो बहनें उनका साथ कभी नहीं देंगे। अच्छा, अभी 1000 रुपए बहनों के खाते में आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहना है सर, 3 महीने से उनने 1000 रुपए डालना चालू कर दिया है क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुका है, इसलिए वरना इतने दिनों से तो उनने कभी नहीं सोचा बहनों की भलाई में। तो प्रलोभन दिया जा रहा है 1000 रुपए। जी, वहीं इस मामले में गैस एजेंसी के मैनेजर लोकेश लोधी ने बताया कि शासन और गैस कंपनी द्वारा अभी तक ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि 450 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर दिए जाएं। क्या नाम है आपका? मैं लोकेश कुमार लोधी। अच्छा, ये गैस एजेंसी पे आप मैनेजर हैं? मैनेजर हूँ जी। सर, ये जो महिलाएं खड़ी हुई हैं उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे वादा किया था 450 रुपए का सिलेंडर का, लेकिन आपके यहाँ से 1185 का सिलेंडर मिल रहा है, क्या कहना है? जी जी, क्या जो कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 450 रुपए की घोषणा की गई है, उस आदेश पर अभी तक हमें के लिए कोई दिशा निर्देश प्राप्त न होने के कारण अभी हम 450 में सिलेंडर देने में असमर्थ हैं। भविष्य में जो भी दिशा निर्देश होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और जो कंपनी का दिशा निर्देश अनुसार वितरण किए जाएँ। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन,
राशि रत्नों के विक्रेता एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2 सराफा बाजार सागर।